दिन से भारतीय सेना के जवान की तलाश लगातार सेना सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। दरअसल जवान छुट्टी पे आया था और ये जवान जो है ये भारतीय सेना का जावेद बताया जा रहा है, जो इस वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। उसकी तलाश के लिए भारतीय सेना की तरफ से लगातार हर जगह पे दबिश जो है वो दी जा रही है। वहीं माँ बाप की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि अगर आतंकियों की तरफ से इसको किडनैप किया गया है तो उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन सबके बीच जम्मू में आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जहाँ पर भी जावेद है उसको जल्द से जल्द सुरक्षा बल ढूंढे। क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जो हमारा जवान है वो सही सलामत घर में पहुंच जाए। उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि वो अपने सही सलामत अपने घर में पहुंच सके। हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें जो हमारा भाई है वो जल्द से जल्द जो घर में वापसी उनकी होनी चाहिए और सही सलामत हम चाहते हैं कि घर में पहुंचना चाहिए। कितना ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर? इस बात को लेकर हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो हमारा दिल है। हम यही चाहते हैं जो हमारा भाई गायब हुआ है, जिसने भी किया है उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। नहीं तो हम लोग अभी थोड़े ही इंसान जो हैं सड़कों पर उतरे हैं, अगर वो हमारा भाई जो है शाम तक अगर नहीं रिहा होता है तो कल से हम बहुत जोर से हम लोग पूरे जम्मू को मतलब सड़कों पे उतारेंगे और हम खुद भी उनके साथ सड़कों पे उतरेंगे। माँ बाप भी अपील कर रहे हैं, इमोशनल स्पीच भी सुनी होगी आपने उनकी। देखो उनके माता पिता को तो बहुत ही ज़्यादा फील हुआ, उनके भाई बहनें जो हैं उनको भी बड़ा फील हुआ है, लेकिन वो भाई एक का नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का भाई है। वो हमारी रक्षा करने के लिए वो उतरा था, आज वो अगवा हो चुका है। हमें सभी को ये हमें ये सोचा हुआ कि अगर वो शाम तक हरिया नहीं हुआ हमने सड़कों पे और बिल्कुल हमने रोडों पे उतर जाना है और हम ये नहीं देखेंगे अपने बच्चों के समेत हम रोडों पे उतरेंगे। कितना ज़्यादा गुस्सा है आप लोगों में? देखिए गुस्सा बहुत है, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है और 48 घंटे से लापता है। सिक्योरिटी फोर्सेस सारे लगे हैं इस कार्य में। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए, कि ताकि आप देख रहे उसकी माँ की जो पुकार है, उसकी बहन की जो पुकार, उसके फादर की जो पुकार है, क्योंकि वो चाहते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, ना लेना था ना देना खामखा। वो आज कल उनको ड्यूटी पर जाना था, दोबारा ज्वाइन करना था, वो अगवा हुआ है तो अगवा किस कारण हुआ, किसने किया। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए और जिसने भी ये घटना की उसको किया है उसको उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और सख्त से सख्त भी सजा भी दे। तौर पे आप यहाँ पे लोगों का गुस्सा सुन सकते हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आक्रोश है इन लोगों में और साफ तौर पे लगातार ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जावेद को जो है वो ढूंढा जाए। आपको बता दें कि साउथ कश्मीर में अब तक भारतीय सेना के 5 जवान जो है अलग अलग इंसिडेंट में जो है वो आतंकियों की तरफ से किडनैप किए गए थे। 2017 से लेकर अब तक साउथ कश्मीर में 5 जवान, जावेद समेत 5 जवान जो है वो किडनैप हुए हैं। सबके बीच आप तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से यहां पर लोगों की तरफ से एक आवाज़ निकलकर सामने आई है और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।